आप देख रहे हैं वेव हिंदी डॉक्यूमेंट्री। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो विज्ञान के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी विचार है। डार्विन ने इसे साबित करने के लिए 1869 में सबूत पेश किए थे। इससे जो हंगामा खड़ा हुआ वो कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? हम सब जानते हैं कि ये सोचकर कितना अजीब लगता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। रिश्तेदार ही आपकी ज्यादा बेइज्जती कराते हैं। हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार चिंपैंजी अक्सर खुलेआम ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि इंसान क्यों उनसे दूरी बनाना चाहता है। हमारी अपने बारे में एक बहुत पुरानी सोच ये है कि हमें बाकी जानवरों से अलग बनाया गया है। समझ लीजिए, ये एक बार कोट है। इस कोट में लिखी जिंदगी की इबारत पेड़ को बताती है कि शुगर को कैसे मेटाबोलाइज करना है। अब इसकी तुलना मेरे अपने डीएनए के उसी हिस्से से करते हैं। डीएनए झूठ नहीं बोलता। ये पेड़ और मैं बहुत पहले बिछड़े रिश्तेदार हैं, और सिर्फ पेड़ ही नहीं। अगर आप और भी पीछे लौटे तो पता चलेगा कि ये सब भी हमारे पूर्वज हैं। तितली, शार्क, बैक्टीरिया, चिद्दिया, गोरिला, क्या परिवार है। बारकोड के बाकी सारे हिस्से हर प्रजाति में अलग होते हैं, और इसी से उल्लू और ऑक्टोपस के बीच इतना फर्क होता है। अगर आपका कोई आइडेंटिकल जीन नहीं है तो पूरे ब्रह्मांड में किसी का डीएनए आपके जैसा नहीं हो सकता। प्रकृति तय करती है कौन से जीन को बचाना और आगे बढ़ाना है। जहां तक जिंदगी के सबसे आसान कामों के जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस का सवाल है, जैसे कि शुगर को पचाना, तो इनमें हम तमाम प्रजातियां एकदम एक जैसी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह काम जिंदा रहने के लिए इतने जरूरी है कि वह तभी शुरू हो गए थे जब ये सारी जिंदगियां एक दूसरे से अलग नहीं हुई थी। यह हमारा ट्री ऑफ लाइफ है। विज्ञान की वजह से अब यह मुमकिन है कि हम इस फैमिली ट्री पर पृथ्वी की सारी प्रजातियों को जोड़ पाए। नजदीक के रिश्तेदार पेड़ की एक ही टहनी पर है, जबकि दूर के रिश्तेदार ज्यादा दूर दूर हैं। हर छोटी टहनी एक जिंदा प्रजाति है, और पेड़ का तना पृथ्वी की सारी जिंदगियों के एक ही पूर्वज की तरफ इशारा करता है। जिंदगी इतनी लचीली होती है कि शुरू होने के बाद से पर्यावरण ने इसकी हैरत अंगेज किस्में तैयार कर दी है। जितनी हम यहां दिखा सकते हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा। बायोलॉजिस्ट्स ने 5,00,000 किस्म के तो बीडल्स का ही हिसाब किताब रखा है। इसके अलावा बैक्टीरिया की किस्मों की तो गिनती ही नामुमकिन है। जीवों और पेड़ पौधों की करोड़ों किस्में हैं, जिनमें से ज्यादातर के बारे में विज्ञान को अभी पता नहीं है। ट्री ऑफ लाइफ अपनी पहुंच चारों ओर से बढ़ाता है, अपने लिए मौकों की तलाश करता है, नई जिंदगियों के लिए मौके और नए माहौल तैयार करता है। ट्री ऑफ लाइफ 3.5 अरब साल पुराना है। जीने के शानदार तरीके खोजने के लिए इतना वक्त काफी है। एवोल्यूशन की वजह से एक जानवर पेड़ का हिस्सा नजर आता है हजारों पीढ़ियों के बाद। उनका रंग रूप ऐसा हो गया है कि खाने की तलाश में निकले शिकारी की उन पर नजर ही नहीं पड़ती। या ये पौधों को जानवरों जैसा बना सकता है और उनमें ऐसी कलियां खिला सकता है जो ततैया जैसी दिखती है। ओकेड इस तरह असली ततैये को बेवकूफ बनाकर उससे पॉलिनेशन करा लेते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन की भेष बदलने की ताकत के नमूने हैं। लंबे चौड़े ट्री ऑफ लाइफ की घनी उलझी हुई डालियों के बीच आप यहां हैं। वो अपने आप विकसित नहीं हो सकती। जरा इंसान की आंख को ही लीजिए। इससे ज्यादा जटिल मशीन शायद ही कुछ और हो।
इससे ज्यादा जटिल मशीन इंसान भी अब तक नहीं बना पाया है। इसलिए ये माना जाता था कि इंसान की आंख अपने आप विकसित नहीं हो सकती। ये सच है या नहीं, जानने के लिए हमें समय के पार उस दुनिया में जाना होगा जब देखने वाली आंख ही नहीं थी। चार अरब साल पहले हमारी दुनिया ऐसी दिखती थी। उस वक्त आंखें किसी के पास नहीं थी। इसी तरह करोड़ों साल गुजर गए और फिर एक दिन एक बैक्टीरिया का डीएनए कॉपी होते समय एक मामूली सी गलती हो गई। अपने आप हुए इस बदलाव से उस माइक्रोब के अंदर ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया जो सूर्य की रोशनी सोख सकता था। जानते हैं लाइट सेंसिटिव बैक्टीरिया को दुनिया कैसी दिखती थी। खुद होने वाले जेनेटिक बदलावों का सिलसिला चलता रहा, जैसा कि हर जीती जागती चीज में होता है। एक और जेनेटिक बदलाव के बाद डार्क बैक्टीरिया तेज रोशनी से बचने लगे। ये सब क्या हो रहा था? रात और दिन, जिन बैक्टीरिया को रोशनी और अंधेरे का फर्क मालूम हो गया था उन्हें दूसरों से ज्यादा फायदा था। मगर क्यों? क्योंकि दिन में तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी डीएनए को नुकसान पहुंचाती थी। उनकी तादाद सतह पर ही रहने वाले बैक्टीरिया के मुकाबले ज्यादा बढ़ने लगी। वक्त के साथ इन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स ने ज्यादा विकसित एक सेल वाले जीवों में एक गहरे रंग के धब्बे की शक्ल ले ली। इससे उनके लिए रोशनी तलाशना आसान हो गया। ये उन जीवों के लिए जबरदस्त फायदे वाली बात थी जो सूर्य की रोशनी में खाना बनाते थे। एक फ्लैगबंग को अपनी आग से ऐसा नजर आता था। कई सेल वाले इस जीव में गहरे रंग का धब्बा एक गढ़े में बदल गया। कटोरी के आकार का ये गढ़ा इस जीव को रोशनी और अंधेरे में फर्क बताता था। गढ़े का मुंह सिकुड़कर बारीक हो गया, जिसकी हिफाजत के लिए ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली बन गई। इस छोटे छेद से बहुत थोड़ी रोशनी अंदर जाती थी, मगर इतने से ही आंख के अंदर के सेंसिटिव हिस्से पर एक धुंधली सी तस्वीर बन जाती थी। एक लेंस जिसने चमकदार तस्वीर के अलावा तेज फोकस भी दे दिया। शुरुआती दौर की मछली की आंखों के ऊपर के ट्रांसपेरेंट जल ने लेंस की शक्ल ले ली। इसके साथ ही उसका बूब बड़ा भी हो गया, जिससे ज्यादा रोशनी अंदर आ सकती थी। मछली को अब दूर और पास की चीजें एक डेफिनेशन में नजर आने लगी। और फिर एक बड़ी गड़बड़ हो गई। आपने कभी गौर किया कि ग्लास में भरे पानी में डली स्ट्रॉ पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों दिखती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक माध्यम से दूसरे में, जैसे कि पानी से हवा में जाने पर रोशनी मुड़ जाती है। असल में हमारी आंखें पानी के अंदर देखने के लिए बनी थी। आंखों के अंदर मौजूद फ्लोइड रोशनी के मुड़ने के इस असर को सफाई से खत्म कर देता था। मगर जमीन पर रहने वाले जानवरों की आंखों में अभी पानी है और उनके लिए रोशनी सीधे हवा से होकर पहुंचती है। इससे रोशनी मुड़ जाती है, जिससे देखने में कई मुश्किलें होती हैं। जब जमीन और पानी दोनों में रहने वाले हमारे पूर्वज जमीन पर बसे, तब भी उनकी आंखें पानी के अंदर देखने के लिए ही बनी थी, जिससे हवा में देखने के लिए मुश्किल हो गया। हमारी नजर अब तक बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। भले ही हम अपनी आंखों को स्टेट ऑफ द आर्ट मानते हो, मगर 37 करोड़ 50 लाख साल बाद भी ना तो हम अपनी नाक के सामने आई चीजें देख पाते हैं और ना ही अंधेरे में साफ साफ देख पाते हैं, जैसे कि मछली देख लेती है। और वो सब काम करती है। इंसान की आंखें चाहे जितनी पेचीदा हो, वो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के लिए कोई चुनौती पेश नहीं करती। दरअसल एवोल्यूशन के बगैर आंखों और बायोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को एवोल्यूशन सिर्फ एक थियरी लगती है, मानो वो सिर्फ एक अलग नजरिया हो। थियरी ऑफ एवोल्यूशन थियरी ऑफ ग्रेविटी की तरह एक वैज्ञानिक हकीकत है। एवोल्यूशन वाकई हुआ है।